अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स। आज डेट है आपके पास 26 अप्रैल 2021। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की आपकी क्लास है। जो आपका लास्ट लेक्चर था, हमने उस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.6 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने रिव्यू एक्सरसाइज की थी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को रिव्यू एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर किसी को बच्चे को नहीं आए तो कुछ भी करें, इंशाल्लाह उसकी मैं अगेन आपको समझा दूंगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जाने। तो जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 पेज आपके पास 69 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास नंबर दिया हुआ है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने घर से अच्छे तरीके से कर लेनी है। क्लास में आपको मैं इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम मल्टीपल टेंथ पावर पर लिखते हैं, हम उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, यानी कोई भी है तो सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पर पॉइंट है तो हम उसको राइट साइड पर मूव करेंगे, और अगर आपके पास राइट साइड पर पॉइंट है तो हम उसको लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि आपने कहाँ तक मूव करना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, यानी कि जहाँ पे नॉन जीरो डिजिट आ जाता है, यानी कि 1 आ जाता है या फिर 2 आ जाता है या फिर 3 आ जाता है या फिर 4 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है जो कि नंबर जीरो ना हो, वहां तक हमने क्या करना है, उसको मूव ऑन करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 3.1, पेज है आपके पास 59। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस each of the following numbers in scientific notations। इसके सब पार्ट इंक्लूड है आपके पास। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 5700। अब हम इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप देखें कहीं भी पॉइंट नहीं लगा हुआ तो इसका क्या मतलब कि पॉइंट इसके एंड पे मौजूद होगा। अगर कहीं भी पॉइंट ना लगा हो तो हम कहेंगे कि उसका पॉइंट कहाँ पे, लास्ट पे। तो आप सब क्या मूव करोगे, आप सब पहले जब मूव करते हो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की जाने, तो आपके पास जो टेन पर वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अगर दूसरे तरीके से देखो तो अगर हमें यू मूव करना है राइट ओवर लेफ्ट तो पावर क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव होगी। इसी तरह जब हम मूव ऑन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो पावर क्या होगी आपके पास, नेगेटिव होगी। ये आपने दो चीजें अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब हमने मूव ऑन है फ्रॉम लेफ्ट टू जब हमने मूव ऑन है, अगर मैं यू देखता हूँ तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर मैं यू अगर मैं खड़ा हूँ तो आपने हमेशा याद रखना है कि आप जब भी राइट से लेफ्ट साइड पर तरफ मूव होगे तो आपके पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब आपने मूव होना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड तो आपके पास साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये जो है आपने अपने माइंड में बिठा लेते हैं। और अगर आपके पास पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हमेशा पॉइंट कहाँ पे मौजूद होगा, उसके एंड पे मौजूद होगा, यानी कि आपके पास लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा एंड पे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है इसका आपके पास 5700 पॉइंट एंड पे जब हम मूव करेंगे
देखेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रोपी फिर जो इसमें मौजूद है वो क्या है, फाइव है। हम कितने पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, 1, 2, 3, तो इसका सूत्र क्या होगा, 5.7 × 10³। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सूत्र है। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट में आपको उससे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। थर्ड है आपके पास क्या हो जाएगा 9, 6, 1, 3 × 0, 3 × 0 पॉइंट मौजूद नहीं है तो आप एक बार याद रखने के तभी आप पॉइंट के होगा एंड पे होगा तो इसका स्टार्ट करता हूँ क्या हो जाएगा 9, 6, 1, 3 × 0, 3 × 0 पॉइंट ये मौजूद है तो आप कितने पॉइंट मूव करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो क्या आ जाएगा 9.6 × 10 पर क्या आ जाएगा 7। ये आपने जितने पॉइंट्स मूव होने उतने आपके पास पावर आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो थोड़ा इससे डिफरेंट है तो वो ट्राई के बाद देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपने कैसे ट्राई करना है, नंबर 4 के आगे चलते हैं। और आपके पास दिया हुआ है 416.9, 416.9। अब देखें अब इसका पॉइंट जो है ना वो एक फर्स्ट डिजिट के बाद है तो आप इस कितने पॉइंट मूव हो रहे हैं, आपके इसको एक और दो होना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, 4.169 × 10 पर क्या आ गया, 2 आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में करवा देता हूं आपको। सिक्स है आपके पास 0.00643। तो अब देखें अब आपने मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड पे। तो जब आप मूव होकर राइट टू लेफ्ट साइड पे तो आपके पास आप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब आपने मूव होना है फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट तो आपके पास पावर पॉजिटिव आने दें। जब आपने मूव होना फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट तो आपके पास पावर क्या आनी है, नेगेटिव आनी है। तो आप इसमें कितने पॉइंट मूव हो रहे हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फिर इसमें 6 है तो आप 1, 2, 3 टाइम्स मूव हो रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ रहा है, 6.43, 1, 2, 3, 10³-3 क्या आ गया आपके पास सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 वो आपने घर से करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करवा देता हूँ। 8 एज इट इज जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ट्राई किए तो इसका 8 पार्ट है आपके पास, सॉरी 9 पार्ट है। जीरो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 395। अब देखें पॉइंट्स इसका यहाँ पे तो आप कितने पॉइंट मूव हो रहे हो, इसका यहाँ पे आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये इसका पॉइंट मौजूद है। अब इसके कितने पॉइंट मूव हो रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स से क्या होगा, 3.95 × 10⁻¹⁹ क्या आ गया आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये था सर क्वेश्चन नंबर 9। अब जो इसका पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो हमने फर्स्ट नाइन क्वेश्चन किए। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें डोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज पावर वैल्यूज आ गए तो उस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप मूव होते हो फ्रॉम अगर आपके पास पावर डी है डी नोमिनेटर में 5 और डी नोमिनेटर में -4 तो जब पावर नीचे से ऊपर ट्रांसफर होगी तो आपके पास अगर वो पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर वो पावर पॉजिटिव है तो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह जब आपने मूव होना फ्रॉम नोमिनेटर से डी नोमिनेटर अगर आपके पास पावर क्या है नेगेटिव है तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी पर अगर आपके पास पावर क्या है पॉजिटिव है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज आपने अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि जब भी आपने मूव करना है फ्रॉम नोमिनेटर से
डिनोमिनेटर, तो जो पावर है उसके अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आपके पास पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। चले अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कहना है आपके पास 275000 divided by 0.0025। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप इसका पॉइंट एट पे जब हम मूव होंगे, कितने पॉइंट मूव होंगे, 1 2 3 4 5, 2.75 × 10 की पावर। अब आप मूव हुए फ्रॉम लेफ्ट टू सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नीचे आपके तरफ पॉइंट मूव हुआ 1 2 3, 2.5, और साइन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 3। अब नीचे पावर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास क्या जाता है, 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5 × 10^5 + 3, 10^5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया। देन मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5, अब सॉल्यूशन क्या आ जाता है, 1.1 × 10^8। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछे, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे किसी बच्चे को क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम है, आई होप किसी ने नहीं बोला तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसके ना ऑपोजिट है। सबसे पहले आपके पास ऑर्डिनरी म्यूटेशन की वैल्यू दी गई थी, तो आपने उसको कन्वर्ट किया था साइंटिफिक म्यूटेशन में। अब आपके पास वैल्यूज दी गई है साइंटिफिक म्यूटेशन में, आपने उनको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी म्यूटेशन में। तो चलिए हम उसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशंस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपके पास दिया गया 6 × 10^-4। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 6 × 10^-4। अब माइनस फोर है तो आपको पता है कि जब आप मूव ऑन होते थे फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, आपके पास सेंटर तक नेगेटिव होता था, तो आपने इसी तरह जो अब आपने इसको ऑर्डर में लिखा है, तो आपके पास क्या होगा, 6 × 10^-4। अब यहाँ पॉइंट मौजूद है, यहाँ से आप जाकर किसी तरह की हमें, तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4.0, ये क्या आ गई, इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आपके पास इसका पार्ट 2 दिया गया, वो आपने गलत से करना है, मैं इसका आपके पास पार्ट 3 ट्राई करवा देता हूँ क्लास में। तो थर्ड पार्ट आपने इसके पास दिया गया 9.018 × 10^-6। हम इसका क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट करते हैं, नजर आई जॉब नहीं आ रहा, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। आपके पास क्या होगा, 9.018 × 10^-6। अब पता है माइनस सिक्स है, तो आप क्या कर लें, 1 2 3 4 5 6.0 और 0.18 के आगे आपके पास सॉल्यूशन आ गया।
आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम नेक्स्ट ओवर होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की जाने। क्वेश्चन फोर आपके पास दिया गया है 7.865 × 10⁻⁸, फोर पॉइंट है आपके पास 7.865 × 10⁸। तो इसके पास आप सॉल्यूशन लिखते हैं इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। यदि आपके पास आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है 3.1 में तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो हम आगे मूव ऑन होते हैं। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.2, तो 3.1 एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ डेफिनेशन है कि आपके पास कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, देन हम आगे मूव ऑन होते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, अगर आप पेज ओपन करेंगे पेज नंबर 59, तो आपके पास सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ रही है लॉगरिथम्स की। इसमें आपके पास आ रहा है कॉमन लॉगरिथम एंड आपके पास सेकंड क्या आ रहा है नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन में आपको बोर्ड पे भी लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। Adding up pass definitions definitions सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है कॉमन लॉगरिथम तो इसकी डेफिनेशन है आपके पास लॉगरिथम विद बेस 10 आर कार्ड कॉमन लॉगरिथम लॉगरिथम विद बेस ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो 10 हो इज कार्ड कॉमन लॉगरिथम नेक्स्ट आपके पास सेकंड आपके पास नेचुरल लॉगरिथम दी लॉगरिथम विद बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम लॉगरिथम विद बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम आपके पास दो डेफिनेशन है ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक बात याद रखें कि जब आपके पास वैल्यू दी होगी a की पावर x इज इक्वल टू y, अब जब आप इसका लॉग लेंगे यानी कि इसको लॉग कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म बन जाती है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a इंटू y। ये आपने भी चीज याद कर लेनी है कि जब हमें किस चीज को लॉग कन्वर्ट करना है तो उसकी जो पावर होगी वो एक साइड पे आ जाएगी और जिस इंटीजर की पावर होगी वो कहां भी चला जाएगा बेस भी चला जाएगा और साथ वाला क्या आ जाएगा साथ वाला हो जाएगा। ठीक है आपको याद रखना है कि जब भी आप कन्वर्ट होते हो फ्रॉम पावर टू लॉग लॉग के फॉर्म में तो आपके पास क्या होगा इस तरह आप उसकी कन्वर्जेंस करोगे। अगर मूव ऑन होते हैं तो आपके पास कुछ जो लॉग है जैसे अब आपके पास लॉग होता है 10, लॉग 10 का होता है इक्वल टू 1 होता है, लॉग 1 इज इक्वल टू 0 होता है, लॉग
100 इज इक्वल टू होता है और लॉग 1000 इज इक्वल क्या होता है 3 होता है। तो ये कुछ बेसिक लॉग थे जो आपको जमाने याद भी होने चाहिए। अब आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपके पास एक्सरसाइज नंबर है 3.2। तो 3.2 इंशाल्लाह हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी हम आते हैं जिस बच्चे को जो जो प्रॉब्लम थी उससे पता करते हैं। ये स्टूडेंट्स किसी बच्चे को किस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो पता करें वो। हेलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो जी अब्दुल वहाब बोल रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी, बस गुड हो गया जी। जी फिर आई थिंक हमें अगली एक्सरसाइज शुरू कर लेनी चाहिए। जैसा आपकी मर्जी कर ले सर जी। सर 9:40 पे क्लास खत्म होगी। ठीक है बच्चे, तो हम अगले मूव ऑन होते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2 की जानिब। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप आपके पास फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लॉग द फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है आपके पास कैलकुलेटर से और एक है बाय ए टेबल से। तो आपके पास ये जो एक्सरसाइज है, अब हमने इसमें लॉगरिथम फाइंड करना है बाय यूजिंग टेबल। ठीक है, तो इसके चार पार्ट है, दो पार्ट में आपको क्लास में करवा दूंगा, दो पार्ट आपने 10 से 6 तरीके से कर लेंगे। पेज है आपके पास 65 एक्सरसाइज। सर जी बच्चे, सर एक मिनट अभी शुरू ना करें, मेरा एक मिनट सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट बेटा फिर जी ज्वाइन करें क्लास को, आपके सिग्नल ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइज है आपके पास 3.2। 3.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका पार्ट 1 है आपके पास 232.92। तो जो आपके पास कॉमन लॉगरिथम आपने फाइंड होता है वो आपके पास इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 26। कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस सीएच में लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 26। तो आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का ये तरीका होता है, हम पॉइंट सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ क्या होते हैं, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ मूव ऑन होते हैं। अब हम इस वजह से पॉइंट मूव हो रहे हैं 1 और 2। तो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। अब देन आपके पास फाइंड कर रहे हैं मेंटीसा, तो आप सबसे पहले टेबल ओपन कर देंगे जो आपके पास आपके बुक में है, पेज नंबर मैं आपको अभी बता देता हूँ खोल के। पेज आप अपनी बुक का ओपन कर लें 293। तो आप इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जो आपके पास इस साइड पे, अब आपने इधर आपने 23 देख रहे हैं, तो 23 ये है, तो नेक्स्ट आपके पास नंबर क्या बन रहा है 2 बन रहा है। तो 23 की कहाँ पे देख रहे हैं 2 में, तो फर्स्ट 0 है, फिर 1, फिर 2 में, 2 में आपके पास वैल्यू बन रही है 3655, यानी कि 3655। ठीक है, तो आपने देन आपके पास जो नेक्स्ट है वो 9 है, तो इसके 9 में कहाँ पे देखना है, इसके 9 में डिफरेंस में देखना है। तो अगर मैं इसको 9 में डिफरेंस में देखूं तो क्या बन रहा है 15 बन रहा है, तो आपने इन दोनों क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका मेंटीसा आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाता है, सबसे पहले जब आपने 23 को 2 में देखा तो आपके पास क्या आ गया, वो आ गया 3655। देन जब आपने उसका डिफरेंस 9 में देखा, यानी कि आपने सबसे पहले क्या देखने सीन करने 23 जो आपके पास यूंग कॉल मौजूद है, तो यहाँ पे आपने 23 ढूंढ रहे हैं, देन नेक्स्ट आपके पास नंबर क्या है 2 है, यहाँ पे 0, 1 और 2 है, तो आपने इसके 2 में देखा इसी ही रो में, तो वो आपके पास बन रहा था 3655।
देन आपके पास टेक्स्ट नंबर क्या था, 9 था, तो आगे आप देखो तो यूं आपके पास टेबल बना हुआ लिखा हुआ डिफरेंस, तो आपने इसी रो के डिफरेंस में देख रहे 9 में, तो वो आपके पास कितना बन रहा था, मैं देखता हूँ फिर से, तो वो आपके पास 17 बन रहा था, मैंने देखो वो क्या बन रहा था, आपके पास 17 बन रहा था, तो आपने देन इन दोनों को ऐड कर लिया, तो आपके पास क्या होगा 3655 प्लस 17, तो आपके पास क्या आ गया 3672, तो आप इसको 0 पॉइंट में लिख सकते हैं, इसको 0 पॉइंट में लिख सकते हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं और आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट आपके आपने कर देते हैं, इसके पास मिंडीसा फाइंड करना है, लॉग फाइंड करने के लिए 2.92 का, तो आप क्या कहते हैं आपके पास कैरेक्टर 2 है, तो प्लस मिंडीसा आपके पास क्या आ गया 0.3672, तो आपके पास क्या आ गया 2.3672 क्या आ गया पास इसका लॉग आ गया कॉमन, जो कि आपके पास है 2.92 का। अगर आप कैलकुलेटर से भी ये लॉग फाइंड करें तो आपके पास यही सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की 3 की जाने, वो हम सॉल्व आउट करते हैं, बाकी आपके पास जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह, वो आपने दोनों क्वेश्चन घर से कर लेने हैं क्योंकि पहले हमने क्लास में ट्राई किए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, उस में भी आपने क्या फाइंड करना है, सिर्फ मिंटीसा फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो आपके पास का पार्ट दिया हुआ है 0.00032, थर्ड पार्ट है इसके पास 0.0032, सॉरी 3 बार 0 है, तो सबसे पहले हमसे लॉग फाइंड करना है, आपने 0.00032 CH प्लस मंटीसा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, आप जस्ट CH से नहीं लिखना, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि सी एस सिग्नल काम चल जाएगा तो ऐसी बात नहीं, आपने पूरा मिंटीसा पूरा लिखना है आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्पेलिंग क्या लिखे फुल लिखने हैं, तो मैं इधर ही फुल लिख देता हूँ ताकि अगर किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन है तो वो पेपर में ऐसे लिखते, तो आपने इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स पर लिखने हैं CHARACTER, इस तरह से पहले लिखना है, ठीक है। आपने सी एच शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में जस्ट मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ तब मैंने सी एच लिख दिया, वरना आपने उसको कैरेक्टरिस्टिक्स से फुल पहले लिखना है, तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होगा, तो अब अपने पॉइंट मूव हो रहे हैं 1, 2, 3, तो अब 4 पॉइंट मूव हो रहे हैं, तो आप कहां से मूव हो रहे हैं, आप फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा, लॉगरिथम में आप नेगेटिव ऐसे लिखते हो, 4 के ऊपर क्या डाल देते हो, बार डाल देते हो, देन अब आपने इसका मिंटीसा फाइंड करना है, तो उसी मैं टेबल में देखूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 को आपने 0 में देखना है, ठीक है। अब इसके में कोई थर्ड नंबर मौजूद नहीं है तो हम इसका डिफरेंस फाइंड नहीं करेंगे, तो जब आप 32 को 0 में देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 बार प्लस 0.5051, तो दोनों को ऐड कर दो, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा 0.5051। जैसे मैंने ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 करवाया, आपने इसी तरह इसका क्वेश्चन 1 कंप्लीट करना है, 2 कंप्लीट करना है, 3 करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो होगा वो 4 स्टार्ट करेंगे, 5 और 6 करके हम इंशाल्लाह मूव ऑन होंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की जाने, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़। ये बताइए किसी को कोई इशू हो, किसी को क्वेश्चन